आय हाय भाभी भाभी बोलो एक हमर गुफे हगे तोरा पटैयो कि तोरा बहिन के अरे फ्लाइंग किस दे दो वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग वीडियो गाइज अभी हमारे साथ देख रहे हैं भुटवा भैया गजब बेइज्जती है जो कि भाई साहब 5 feet 3 inches नॉर्मल ही होता है यार भुटवा नहीं होता है 19-20 का ही तो फर्क है बस मैं 5 feet 8 inches हूँ 9 inches हूँ इसमें उसमें 19 lakh का फर्क है अब सबका अपना अपना हाइट होता है ना अच्छा हमारा हाइट इसलिए नहीं बढ़ा ना तुमको नहीं कुछ कुछ चीजें प्रॉब्लम हो जाता है ना इसलिए कभी कभी तो भैया आज हम है लोकेशन का नाम नहीं बता सकते घर का नाम नहीं बता सकते विलेज का नाम नहीं बता सकते सीधा मैं बोल सकता हूँ मधुबनी के आसपास राजनगर में हूँ ठीक है और भाई लोकेशन इसलिए नहीं क्योंकि भाभी के घर पे आए हैं ठीक है नहीं भाभी भौजी हमसे हंसे बोले पतिया बेके भाभी के घर पे अगर बहुत लोग भाभी को जानते हैं नेपाली भाभी मधुबनी वाली भाभी नेपाली तो बहुत कम जानते हैं बंगलिया सब जानते हैं बंगलिया भाभी को अच्छा नहीं लगता तो हम आए हैं भुटिया भाभी के पास में पानी पिया बुआ सरकी रहनी तब मुझे लो 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 मुझे लो मैं पीने वाली थी भैंस की टांग ये भैंस की टांग क्या यार ऐसे भैंस और टांग भैंस की टांग तोरी बहन के टांग पागल बाप पे बता रहे थे बाप पे जाना नहीं अरे यार गलती से भाई बोलने वाली थी भाई तूने बहन बोला भाई बोला बाप के हाथ लगाया कार्ड डालूंगा तो समझो वो नीतीश देखते ही शेयर करेगा चलो भैया आज हम लोग खेलेंगे होली भाभी के साथ भाभी के संग होली में रंग गुलाल उड़ाए भैया क्या होगा फिर तुम्हारे साथ भी खेलेंगे होली नहीं नहीं भाभी सुनो ना खेलब देवरे के साथ होली मारा भतार की गोली चलो भैया पानी पे तो इसको आप दिखाते कुछ क्या होता है तो गाइस भैया है घर में गिटार भी है ठीक है तो भाभी आपके लिए गाना मैं पेश करना चाहता हूँ बहुत अच्छा आप बुरा मत मानिएगा गाना खराब नहीं है बहुत अच्छा गाना है तो बजाओ ना तो पहले गिटार बजाओ फिर गाना नहीं गाना दोनों साथ में वैसे तो हमें गिटार बजाना नहीं आता है लेकिन अब भी वैसे ट्राई ऐसे ऐसे कर रहे हैं ठीक है भाभी गुरिया चाल तो हर मत वाली गजरा गजरा कान के बाली लाली बिंदिया से निंदिया हराम हो गई रानी हमरी जिंदगिया गुलाम हो गई रानी हमरी जिंदगिया गुलाम हो गई रानी हमरी जिंदगिया गुलाम हो गई फिर आपका लाना है आता। सुनो ना आपका लाइन मतलब ये सुनो ना पाटे बोलिया मेरा सुन के लागे परिलाज हमरा बेचैन दिल के आराम हो गई राजा हमारे जिंदगी गुलाम हो गई राजा हमरो जिंदगी गुलाम हो गई चले भाई बहुत अच्छा हम गा लिए भाभी के साथ गाना अब हालांकि भैया गुस्सा हो रहे उधर कैमरामैन बने हैं गुस्सा हो रहा है इसके चलते हम नहीं इतना नहीं सोचते भाई भाभी के घर पे ही भाभी को ही लाइन मार भैया के साथ ना इंसाफी हो रही है नहीं भाभी पता नहीं भाभी सुनो अपनी बहन के मेरा बहन क्या पता मर गई हो जय दरभंगिया भौजी अपना बहन से ब्याह कर चलो भैया हम लोग रील बनाते हैं इसके बाद फिर मिलते हैं आप सब ठीक है आज घर पे ही ब्लॉगिंग करेंगे पेट को टच मत करो अरे क्या यार मैं बेबी का टच अरे बेबी है उससे क्या मतलब उसके पेट में बेबी है हे प्रभु हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद ये देखो तुम खुद देखो कितने महीना का भैया 3 महीना 4 महीना हो गया चार महीना असंभव
चार महीने होने वाला है। अंदर की बात है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि भुटिया भाभी है, देखो कितना छोटी है। वो सब मारो गोली भाभी। अरे भाभी हथू बाघ का डॉग्स ये क्या है? हौवे ऊपर बिहारी यूपी पढ़ जाई तोहर बीपी लगबू ऊपर नीचे हो। पता है ये ऐसी ऐसी गाली देती है ना, किसी ने सुना भी नहीं होगा। हाँ सच में किसी ने सुना भी नहीं होगा। ठीक है, वहां के भैया के पास बहुत स्टूडियो वाला सामान सब है, हमें समझ नहीं आ रहा क्या क्या रील बनाऊं क्या नहीं बनाऊं। भाई छोड़ो वो सब, चलो होली खेलते हैं। चलो होली खेलें। तुम्हारी बहन नहीं है क्या? मैं गिरा होया बंदा जमा नीचे बली है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। कहाँ पे? नेपाल में। अरे बुच्ची ना सुनता माही इतराव। ये कौन है आपकी ननद? ये चंदन की छोटी बहन। अरे चंदन, अरे वो चंदन लंबा वाला छोरा नहीं चले, ओकरे बहन छा ना, ओकरे बहन छी गाय। ई के है? चाची लगता। चाची बोले हां, मम्मी ने बहुत ही बोले बोला ना चाची। बन गई चाची भाई। चलो मम्मी, तुम्हारी मम्मी ने बोला था मेरे को भाभी बोलने के लिए, फिर चाची में आ गई यार। मेरे साथ अन्याय हुआ है। नहीं चाची जी, चाची ठीक है। हाय हाय छमिया, तुम्हारे लिए तो बन गया लड़की। अब सुनो ना, अब तुम्हारा भाई है। मैं छक्का बनना चाहता हूँ, शादियों में ताली पीट पीट कर पैसा कमाना चाहता हूँ। लड़का हो तो बहन, लड़की है तो भाई। चमाई कोई तो मिल जाए। अरे सुन रे, इधर सुन छमिया, तेरे लिए ना तो सुन ना, तेरे फेरे में भी लगाएगा छमिया। क्या यार, इतना भी काला नहीं हूँ। अरे लड़की होके बोल दी चमार। सुनो सुनो, देखो लड़का हूँ, काला हूँ, इतना लड़का फिरा है। ए, ये डायलॉग तुम डेली डेली मत दो मेरे को, पक्की में ये वीडियो आएगा ना। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, भाभी के बहन के मैं पीछे पड़ा हूँ, लेकिन बहन है ही नहीं। खत्म हो गया भैया मैटर। लड़की बन के भाई के पीछे पड़ने के लिए। हाँ तो मैं लड़की बन के इसके भाई के पीछे पड़ूंगा। मस्त प्लान है। अब की एक भाई और है मधु भाभी, उसके पास भी बहन नहीं है। भाई है? भाई सर नहीं पता मुझे। अब जो भाभी को पटाता हूँ साला, उसकी बहन ही नहीं होती। मेरी किस्मत ही खराब है। सुनो भाभी, आप पटोगे? अब भैया क्या करेंगे? भैया भी पट जाएगा। भैया मतलब दो दो रखोगे? हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेम। मतलब पता नहीं यार, मैं बोलना क्या था तो नहीं पता मेरे को। हम डिस्कशन में अभी हैं। तो गाइस भाभी के साथ रील बनाऊंगा तो भाभी बार बार बोलती है कि कोलैब करना पड़ेगा, जरूरी है क्या? मैंने तो बोला ही नहीं। अच्छा बोले इतना भेजती यार। और मैं बता दूं, एक काला नाग आ गया। काला नाग गलत आते सब मेरी हमारा काला का लूटा के जोड़ते। बुरा लगता है भाई आप। भले ही हम फेमस इधर इधर गोरा भैया है। तो भाभी चलो रील बनाते हैं। अभी तो आप पूरा क्या पता है किस ड्रेस में हो? साड़ी में हूं। साड़ी नहीं, शादी के बाद जो आती है ना पीला ड्रेस, पता है ना? हाँ। बिलोती बोलते हैं। चतुर्थी। हम तो हर बार तू हमर कनिया। धनिया बनबू कनिया दिलावा दुल्हन न मान। तो बार वाइट ड्रेस नहीं लगाता है? वाइट ड्रेस में आता है। हाँ। आता है ना? हाँ। आता है ना? तो फेक में मान लेते आता है। तो हम तो हर बार तू हमर कनिया की फेक में। घुटा सीता के लूटा लगे झाकतिया चंदनिया। तो चुमा चाटी कहिया है? छी एगो चुमा दे दे तो दाना दिखा। ये भाभी है नेपाली भाभी, और इधर ये देखो मधु भाभी, ये आपकी सच में फैन है, झूठ नहीं। पूछो तो पूछो भाभी, आप नेपाली भाभी का फैन हो ना? हाँ यार, हम सब फैन है। हाँ सुन लिए। बोले तो गए जी, यही भाभी मुझे सिखाई है कि भाभी माल समान होती है। भाभी तो भाभी माल समान होती, क्या कलवा क्या कलवा। भाई भाभी नहीं है, दुख का खत्म नहीं होता बे। तो ठीक है भाभी, आई लव यू। हंस रही होगी देखो। ठीक है रखो भाभी, आपके लिए गाना। हगे तोरा पटैयो की तोरा बहिन के हमर चाची के।
मारै छौ लाइन कतेक हमरा दिन से कौन तोर बहिन छी गंदा यार इसकी बहन रहती तो पटा लेते सच में गजब टू बी बाज आदमी जैसे कि आप लोगों को पता है कि भाभी नेपाली है भाभी नेपाली में आई लव यू को क्या बोलते हैं माँ ती मिलाए माया गर्चू बट तुमको नहीं गर्चू मतलब करती था सुनो और नेपाली में आए तुमसे एक चुमा कैसे पांच चले बातें करा रहता है ये मैं चाहती हूँ इसको क्या बोलेंगे पांच चाहता हूँ कि चाहती हूँ ये बोलेगी मो तिमी बटा चुमा चाहन्छु हाँ तो लो ना भाभी बोलो एक हमर गु फेक आजकल पाता नास हो गई हो ए नया में सबने पास बहुत टाइम से सोच के आया था यार मैं भी बोलूंगी अब बोलो दो दो जाके टट्टी में जाके सो कैसी लगी तो गाइज ऐसे कि अभी पता है होगा भाभी अभी किस कलर का साड़ी पहनी है ठीक है पियर की फराक वाली वो गाना तो लग जाएगी और आप लोग को पता ही होगा कि गूं भी पीला होता है आप लोगों को पता होगा सनफ्लावर भी पीला होता है जानी के चालन मोरे रानी अरे उतना नहीं हम अच्छा नहीं बात बोलते हैं हम अच्छा बात बोलते हैं तो पूरा पूरी बता सकते हैं भाभी अभी गूं बनी है छी यार का गंदा है तुम अभी तुम वाइट वाइट कलर का क्या हो सकता होता है कुछ नहीं सब कुछ होता है नहीं सोचो ना पानी व्हाइट कलर का नहीं होता ना हाँ तो वो अच्छा चीज है भाई सुसु सुसु लग रहा है ये सुसु मिथिलांचल में इसको बोला जाता है क्या मोची इसको मिथिलांचल में क्या बोला जाता है मोची मोची ने मोसी मोची ना नहीं इसको बोला जाता है भाभी की बहन अरे नहीं खाते यार ये भाभी ध्यान से देखो क्या चीज है तू समझा नहीं तू समझा नहीं तेरा दियार उधर गया इसका दियार पूरा गंदा सोचा यार मतलब ना खाते हैं क्या आपका दियार उधर क्यों गया कच्चा नहीं खाते हैं कच्चा नहीं खाते हैं अरे ये पक गया है भाई छी ये तुम्हारा ही होगा ये खा रहा है यार गाइस अभी हम खाना खा रहे हैं भैया घर पे ठीक है भाभी खाना बनाई है भाभी वो रही भाभी भी बैठ के खा रहे भाभी को मारो गोली भाभी मैं बोलूं एक चीज खाना बेकार था सच में बेकार था इतना अच्छा नहीं था यार इसके चलते मैं छोड़ दिया चाची का बनाया था तब अच्छा रहता कितना छोरा वो दिखा रहे यार कितना छोरा वो दिखाओ तो कितना छोरा वो देख लो देखो कितना छोरा सब छोड़ दिया देखो देखो दरिंदगी चेहरे से टपकती है नंबर एक का कभी नहीं और भाभी भी पीला ये रसगुल्ला भी पीला मेरे को नहीं खाना पीला पीला अच्छी मेरा माइंड वाला क्या आ रहा है कसम से नहीं खाना हां माइंड में गूं आ रहा हो ये नहीं खाना अच्छी यार खाना भी नहीं खाने देता ये वो खाना खा रही है अभी ये खा ली मैं नहीं खाऊंगी मर के भी नहीं खाऊंगी मैं कसम से नहीं खाऊंगी अरे खा ले नहीं नहीं भाभी खाऊंगी ही नहीं मैं पहले तो मेरा माइंड ही गंदा कर दिया अब तो मैं खाऊंगा ही नहीं उजला वाला खाओगी अब कुछ नहीं खाना मैं काला वाला खाऊंगी चलो भाई नहीं खाओ ये रहा उजला वाला यार ये मैंने माइंड गंदा करना मम्मी खा लो यार उजला तो खा लो कुछ कुछ आओ अरे खा लो तुम खाओ अरे एक बार एक बार प्लीज एक बार आप नहीं खाना मैंने नहीं खाना खाओ तब तो नहीं बोल तेरा आगे जाने नहीं देते भाभी ये असली है क्या हाँ तो हाँ ए, मेरा पति है पति है ये हाँ। इसी से स्वागत मनाए तो गाइस हम होली के भेष में आ गए इधर ये रही भाभी चलो चलते हैं छत पे आप भाभी को रंग लगाते हैं बढ़िया से बोलेंगे भाभी को एक ही गाना कौन सा गाना पता है होली में आवे ला नमस्ते नमस्ते रंग लगा दू सुनो Ha 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 ha!
भाई भाभी साथ शादी करने वाला था। तो गाइस ये रही भाभी, ठीक है भाभी। आंख बंद करो। होलिया में गाल छुके गोड़ लगे दे रहा, गाल छूटने को मिला भाई। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा बाबा। हैप्पी होली। थैंक यू भाभी, भैया आपको भी हैप्पी होली। मेरे हेयर देखो यहाँ पे कलर हो गया। अरे भैया हिजरा है क्या? ए छी तुम हिजरा हो क्या? ये देखो कितना सुंदर है। अच्छा भाभी इधर सुनो ना भैया, सच में बता रहा हिजरा है क्या तुम्हारा? है बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। नहीं मेरा चाचा बनूंगा ना। तुम्हारा नहीं, तुम हिजरा इससे शादी में बनूंगा। क्या खाना बचा रहा है? तो गाइस हम एक्सरसाइज कर रहे हैं इसलिए भाई देखो पीछे में रंग नहीं लगा, ठीक है भाभी रंग नहीं लगाई पीछे में, इसके चलते यहाँ पे रंग था वही लगा रहा हूँ। कैसा लगा भाभी? सुन ये रंग है पता है? नहीं पता। हो गया। अरे छू के देख रहा हूँ रंग। भैंस की टांग, ये भी रंग है, ये देखो भाभी छू के देख ली रंग है, ये भी ब्लू लगाया हुआ है। क्या यार मेरा गाल छो अच्छा लगता है। काजानी के तना मटेरियल वाला गल न तुमना। कैमरा मैन दिक्कत नहीं हो रही है? बेचारा मेरा बेबी का तुम बेइज्जती कर रहा है, आग से फेंक दोगे गंगा में। तेरी बहन को उठा के आने लो, तेरा भाई को उठा के आने लो, तेरा बहन को उठा के आने लो, तेरा मौसी बना दे वो। भतीजा तो रमाहियो जिंदाबाद। तोरे मौसी उसका भाई का बेबी होगा तो क्या होगा ये मामा? भैया तेरा बहन को उठा के ले वो, तेरा मौसी बना दे वो। तेरे भाई को आके बेच देगा फिर तू करोड़पति बना देगा। तेरा बहन को उठा के ले वो, एक ही दिन तेरा मौसी बना दे। बॉडी में जान लाओ पहले फिर मौसी बनाना। गजब बेइज्जती है भाभी, थोड़ा रंग झाड़ दो। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। बाप रे, लात मार के गुड़का दिया। देखो इतने बड़े ब्लॉगर हैं। मेरी पत्नी को कैसे टच लगा रे? भाभी मुझे थोड़ा रंग लगा दो ना, थोड़ा। प्यारे वो पहाड़ का वो खिलाऊं ऊपर वाला के। अब रंग लगा दिया, एक चिम्मा भी दे दो। साले तू सोनी सोनी अखिया का जरवा मांगता है, भौजी से चुम्मा देवार। दे दे यार भैया बोलो ना यार। हाँ। एक चुम्मा देने के लिए। हाँ। की टांग देखो, कौवा भी बोला चुम्मा देने के लिए। अरे फ्लाइंग चीज दे दो। एक चुम्मा दे दो ना नी हो बोल जाई जा। इतना सुकून। बदबू मार क्या? अरे एक गाल चुबा दे दो। ए भाग जा प्लीज यार, भाग जा। भाभी भाभी चलो हाय हो गन्ना बेच के चुम्मा ले हम हो पैसा खमे बेबू चाहे एक। अरे बाप रे बाप। अरे प्रभु हम तो धन हो गए, अब मुझे शादी नहीं करना है, हो गया मेरा शादी हो गया। अरे भाभी आप अपना ढोड़ी नहीं छोड़ूंगा, छोड़िए ना। अरे हटो, नहीं छोड़ूंगा, छोड़िए ना। हो गया ना प्रैंक आपके साथ। भाभी तो ये है, देखा आपने लापरवाही तक नहीं दिया। देखा आपने लापरवाही। अच्छा भाभी को दिखाओ कुछ ज्यादा ही खाने का असर हो गया, पता नहीं भाभी ने खाने में क्या मिलाया था, क्या मिलाया था खाने में? ये कभी रील शूट की भाभी डाल दे गंदे गंदे। क्या यार रंग रंग डाल दीजिए। इसका हेयर क्या मस्त लग रहा है ना, हाईलाइट जैसे मैंने कर दिया। थैंक यू भाभी, आई लव यू। मुंह पे बटन आंख में उतर जाएगा, आंख में परा। मम्मी मुझे कुछ दिखाई नहीं देता मां। मां दिखाई दिया और दिखाई दिया भाभी दिखाई दी। भाभी आंख खोलो, भाभी आंख खोलो यार।
माँ भैया सब दिखाई दे रहा। जैसे कि ये मेरी नेपाली भाभी है, सबको पता है ना भाभी आप नेपाल से क्यों हो, आप नेपाल में क्यों पैदा हुए थे, आप मेरे इंडिया में क्यों नहीं पैदा हुए, आप पैदा हुए भी तो नेपाल से इंडिया क्यों आए आप? इंडिया में पैदा होती तो काली हो जाती तो नहीं। हमें साफ साफ बतावा तो और भतार भुटवा का बार है, और तू हु किया है भुटवा वाली, और तू नेपाल में क्यों पैदा हुई? मैं एक बात बताऊं, मेरा क्वेश्चन आंसर देने से पहले तुम काले क्यों हो ये बताओ। गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। अरे मैं तो जन्म से गोरा हूं। हां तो मैं भी जन्म से भुट रहा हूं। हो गया चलो। अरे भाभी सुनो ना, मैं फूंक देता हूं। नहीं चाहिए। अरे सुनो ना, ये पूरा नशा लगती है यार इसके। सच्ची में नशा लग रहा है। भैया ये है ना, ये भैया है, ठीक है, भैया के सामने मैं एक चीज बोलना चाहता हूं। आई लव यू। आई लव यू देवर जी। आई लव यू टू भाभी जी। आई लव यू रानी। आई लव यू रे जानू। अरे भाभी ऑटो रे यार। अरे चमन गिरेगा। अरे नहीं गिरूंगा। हेलो भैया, आज भाभी के साथ काफी अच्छा लगा, उससे अच्छा भैया के साथ अच्छा लगा, उससे अच्छा कलुआ के साथ अच्छा लगा। काला नाग नशा लग गया। सब कुछ नशा लग गया यार। एक सब लगा नागिन डांस दिखाते आप लोगों को मैं अपना। तो गाइस देख सकते भाई क्या क्या करना पड़ता है आप सबके लिए। चलो भाई हंसाने के लिए तो भाई बहुत कुछ करना पड़ता है जीवन। मजा रे दिन मजाओ। कोई पाप दिया भैया हजार वो क्लिप ले ना पता कि तू पापी के साथ रहो कि देवर के साथ रहो। हम देवर के साथ रहो। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। कुछ शर्म आया है। हाय हाय इतना सुकून। तो फाइनली गाइस हम लोग का डांस खत्म हो गया भाई, खत्म हो गया। थकम गए, थक गए, बहुत थक गए, थकम नहीं गए। क्या भैया दोनों एक लड़की है क्या? जी हाँ ये देखिए अंदर में। तो चलो भैया ये ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। कैसा लगा ब्लॉग? क्या भाव आप बोल दो ब्लॉग में। बहुत मजा आया, होली खेला, होली से नशा लगा और डांस भी किया। और भाभी आई लव यू बोल दो ऑडियंस। आई लव यू। चलो भैया ये ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लव यू। ए हम नहीं दिख रहे हैं, फिल्टर लगाइए। लव यू।